हेलो बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हमने साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, सोयल। ओके, तो उसी चैप्टर में से आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सोयल एंड क्रॉप्स, ठीक है बच्चों। तो आप सबको पता है कि सोयल में क्रॉप जो है वो ग्रो होता है ना। ओके, तो अलग अलग सोयल में अलग अलग क्रॉप जो है वो ग्रो होता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोयल आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दे डिसाइड द सोयल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार फिर से हम इसको रीड आउट करेंगे। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ सोयल आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। अलग अलग रीजन में अलग अलग काइंड ऑफ सोयल मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग रीजन में अलग अलग सोयल जो है वो मिलते हैं। ओके, कभी कभी ये भी होगा कि इस रीजन का सोयल आपको उस रीजन में नहीं मिलेगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट डिसाइड द सोयल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। अब ये चीज किस पे डिपेंड करता है कि इस रीजन का सोयल जो है वो कैसा होगा या फिर किसी और रीजन का सोयल कैसा होगा, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, उस जगह का टेम्परेचर कैसा होगा, या ह्यूमिडिटी कैसा होगा, सनलाइट कैसा होगा, रेनफॉल कैसा होगा, विंड कैसा होगा, ठीक है। तो उस रीजन का सोयल कैसा होगा या फिर दूसरे रीजन का सोयल कैसा होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, रेनफॉल, विंड्स, इन सब पे डिपेंड करता है। ओके, द टाइप्स ऑफ क्रॉप दैट विल ग्रो इन द सॉयल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर्स एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, ठीक है। कौन से क्रॉप जो है कौन से सॉयल में ग्रो करेगा, ये सब डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कि उस सॉयल का मॉइस्चर कितना होगा, है ना, पर्कोलेशन कितना होगा, ठीक है, टेक्सचर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, इन सब पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सैंडी सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं, पोटैटो, कॉर्न, पेपर। ओके, क्ले में ब्रोकली, बीन्स, कैबेज, लोमी में एप्पल्स, कैरेट, कुकुम्बर, टमेटोस, ठीक है। तो अलग अलग सॉइल में अलग अलग क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन, ठीक है। सोयल इरोजन का मतलब है सोयल का खराब होना, ठीक है। बट एक्चुअल मीनिंग है इसका, व्हेन द टॉप लेयर्स ऑफ सोयल गेट रिमूव इट इज कॉल्ड सोयल इरोजन, ठीक है। जब टॉप लेयर, ठीक है, जब ऊपर वाला लेयर का जो सोयल है वो वहां से रिमूव होते हैं, उसको हम सोयल इरोजन कहते हैं। ओके, टॉप लेयर में क्या क्या होता था, ए होरिजन में, है ना, जिसको हम ए होरिजन भी कहते थे, उसमें बहुत सारे ह्यूमस होते थे, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट वहां पे फाउंड होते थे। ओके, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे रहते थे, है ना, जिनके वजह से सोयल को क्या करते थे, फर्टाइल करते थे। ओके, जब ये सब जो है वहां से रिमूव होते हैं, उसको हम सोयल इरोजन कहते हैं। ओके, सोयल इरोजन मेनली अकर्स वेन द सोयल इज लेफ्ट लूज विदाउट वेजिटेशन और वेन डिफोरेस्टेशन अकर, ठीक है। अब रीजन क्या है सोयल इरोजन क्यों अकर्स होते हैं? ओके, जब बिना वेजिटेशन के, ठीक है, उस जगह को खुले छोड़ देते हैं, या फिर डिफोरेस्टेशन अकर्स होते हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, सोयल इरोजन जो है वो अकर्स होते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों के वजह से ही सोयल इरोजन अकर्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, मेनली है, ठीक है, ज्यादातर इन दोनों के वजह से सोयल इरोजन अकर्स होते हैं। ओके, इन सच अ सिचुएशन स्ट्रोंग विंड्स, फॉलिंग वाटर, रेन वाटर टेक अवे द टॉप सोयल एंड देयर फोर डिक्रीज इट्स क्वालिटी। ओके, अब इनके वजह से क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे हवाएं चलने लगते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे अब वेजिटेशन भी नहीं है, डिफोरेस्टेशन हो गया है, कोई प्लांट्स भी नहीं है, है ना, तो उसके वजह से बहुत तेज हवाएं चलने लगते हैं, है ना,
बारिश होते हैं, है ना, फ्लोइंग वाटर होते हैं, जिसके वजह से टॉप सोयल जो है वो वहां से रिमूव होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से उस रीजन का जो सोयल का जो क्वालिटी है वो भी डिग्रीज होते हैं, ओके ठीक है। और टॉप सोयल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सबको भी ये सब मार देते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज कीप द सोयल टूगेदर एंड एलो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड सर्वाइव, ओके। तो प्लांट्स का जो रूट्स है और ट्रीज का जो रूट्स है वो क्या करते हैं, सोयल को पकड़ के रखते हैं, ओके ठीक है, और एलो करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव जिंदा रहने के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा था टॉप सॉइल में क्या होता था, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे रहते थे, ठीक है। देखो ऐसा कोई जगह जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे अगर बहुत तेज बारिश होंगे, बहुत तेज हवाएं चलेंगे, तो वहां का जो टॉप सॉइल जो है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, ओके, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते थे, ठीक है। और ऐसे जगह जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है, ट्रीज है, वेजिटेशन है, ठीक है, वहां पे अगर बहुत तेज बारिश भी होंगे, बहुत तेज हवाएं भी चलेंगी, तब भी वहां का जो टॉप सॉयल जो है वो वहां से रिमूव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्लांट्स का जो रूट्स है, ट्रीज का जो रूट्स है, वो सब क्या करते हैं, सॉयल को पकड़ के रखते हैं, ओके। इसलिए हमें एडवाइस दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, है ना, पेड़ लगाना चाहिए, है ना, और हमें ट्रीज को कट नहीं करना है चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।